सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेजबान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोशन पाकिस्तान होनहार तालिबे इल्म साद आमिर की, कि जिसने पूरी दुनिया में ग्रेजुएट एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कायम किया और तकरीबन 340 में से 339 नंबर लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। साद आमिर जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के 2 साल हो चुके हैं और दूसरा बजट इस हुकूमत ने पेश किया है, और इस बजट में जो तालीम के लिए जो हिस्सा रखा गया वो सिर्फ 4 अरब रुपए रखा गया। अब यानी अगर अंदाजा करें तो तकरीबन जो कुल बजट है इसका 4% भी नहीं बनता। और ऐसे में पाकिस्तान में ऐसे होनहार तालिबे इल्म जो जराए ना होने के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद दुनिया में अपना झंडा जो है वो गाड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम इन वुजरा को कि जिनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं कि ऐसे होनहार तालिब इल्म को जो पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर सकें या फिर कोई एजाजी भी बात उनके लिए की जा सके। मैंने रब्ता किया वजीर तालीम शफकत महमूद साहब से, बार बार उनसे रब्ता किया कि मौसूफ वजीर के पास कुछ वक्त हो तो वो रब्ता करें, हमसे बात करें, और ये जो पाकिस्तान का एक होनहार तालिबे इल्म है इसकी आवाज ना सिर्फ दुनिया भर में पहुंचाई जाए बल्कि इस तालिबे इल्म को और ऐसे न जाने कितने और तालिबे इल्म हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाए। इमरान खान साहब का दावा, रियासत मदीना का बार बार ये कहना कि तालीम सबके लिए बराबर है, सेहत सबके लिए बराबर है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स नजर आती है। हमेशा इल्जाम लगाए जाते हैं कि सबका द्वार में सबका हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, तो आज इस पर हमसे बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यू के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर फरमाइएगा कि आपने देखा है कि एक तालिबे इल्म साद आमिर जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह बड़े नुमाया नंबर हासिल किए और तकरीबन 340 में से 339 नंबर लिए हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, ऐसे में हमें हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। यकीनन सबसे पहले तो मैं साद आमिर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने दिल की अथाह गहराइयों से। फिर मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक अहम मौजू को गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है। ये होनहार तालिबे इल्म जो है जिसने तकरीबन 99.99% मार्क्स, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि 100% नंबर इम्तिहान में हासिल करके बैन अलावी तौर पर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है, अपने खानदान के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है और पाकिस्तान की तरफ से इज्जत और तकरीम का भी मुस्तहिक है। यकीनन ऐसे तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमारे वो लोग जिनमें सलाहियतें मौजूद हैं और वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं और फिर उनकी तालीम से पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है, पाकिस्तान की खिदमत हो सकती है। आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो बजट था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वो तकरीबन पहले के मुकाबले में 2 गुना कर दिया गया था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने आके कम किया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, चूंकि तालीम सूबे का मामला ज्यादा है, सूबाई हुकूमतों के पास तालीम के मामला ज्यादा होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब तकरीबात मुनक्किद करते थे जिनमें वो तमाम तालिबे इल्म जो इम्तिहानों में नमाया कामयाबी हासिल करते थे वो उनको अपना मेहमान बनाते थे, खुद मेजबान होते थे और कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालबा उनके मेहमान होते थे। और सिर्फ पंजाब से नहीं, वो सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से कामयाबी हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को भी अपने मेहमान के तौर पर इन्वाइट करते थे, उनकी इज्जत करते थे और फिर उन्हें दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपने खर्च पे
भेजा जाता था कि आपने अच्छी कामयाबी हासिल किया, अब इन यूनिवर्सिटियों को खुद चल के देखो और सिलेक्ट करो कि किस यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, और फिर उनको वज़ाइफ देके उन यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई जाती थी। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 5 साल का रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि हमने तालिबों को लैपटॉप देने का भी एक सस्ता शुरू किया था, और वो लैपटॉप आज के नौजवान के पास तालीम हासिल करने का सबसे जदीद तरीन टूल है, और वो उन नौजवानों को मिलता था जो मेरिट पे आते थे, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूलों में जो तालीम हासिल कर रहे होते थे। एमए के तमाम तालिबे जब जो थे जो एमफिल की इम्तहान में थे और पसमानदा इलाकों से तलक रखते थे, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनकी तमाम तालीम को वफाकी हुकूमत मुफ्त करार दे दी गई थी। ठीक है, हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करती थी जो तालिब इल्म एमफिल के इम्तहान देते थे। तो हमारी हुकूमत ने तालीम के फरोग के लिए मैक्सिमम तरजीह जो थी उसको अख्तियार किए रखी थी। सर जैसे आपने अच्छी सा बात की, हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें याद कराना चाहता हूँ कि आपका फर्ज है कि जो सिलसिला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था, ना सिर्फ उसको जारी रखें बल्कि उसमें इजाफा करें, क्योंकि ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये अपने मुस्तकबिल के लिए है। तालीम पे इन्वेस्टमेंट दरअसल मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। आपने बात की तालीम के इन्वेस्टमेंट के हवाले से, परवेज रशीद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी हाल मिलेगा, मैं सोच आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बात की तालीम के लिए, तो हम ये देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने जो बजट दिया 4 अरब रुपए का, इसमें लगता है और फिर यूनिवर्सिटी बनाने के दावे, वजीर आजम हाउस को कन्वर्ट करने के दावे, वो सब धरे के धरे रह गए। लेकिन हम साद आमिर जैसे वो जो तालिबे इल्म जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, तो मुझे तो ये लगता है कि मौसूफ वजीर जो हैं शकत महमूद साहब, चाहे वो अखबारात भी नहीं पढ़ते कि शहर इकतदार में ये तालिबे इल्म मौजूद है, उससे मुलाकात के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो वजीर तालीम रहते हुए इन तमाम चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं? आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की कि वो खुद घरों में जाया करते थे, मुलाकातें करते थे, स्कॉलरशिप के ऐलानात करते थे, लेकिन अब तक हमें इस तरह का कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत का कोई वजीर माँ सिवाय इल्जाम लगाने के तालिब इल्मों के लिए कोई नया काम कर सके, कोई कारनामा कर सके, जिससे दुनिया में जो हमारे ये तालिब इल्म है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बारह बार साद आमिर की, इस तरह के लोगों को नुमाया रिकॉर्ड करके जो है वो मंजर यहाँ पे लाया जाए। ये बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है। वजीर तालीम साहब को चाहिए था कि वो इस तालिब इल्म के खुद घर में जाते, उसको मुबारकबाद पेश करते। अगर घर जाने में कोई दुश्वारी पेश थी तो तालिब इल्म को अपना मेहमान बना सकते थे, उसके साथ तस्वीर खिंचवाते, उस तस्वीर को इंतमाम करते कि अखबार में छपे, टेलीविजन पर भी उस तस्वीर को नजर आना चाहिए था। इसमें इस तालिब इल्म की इज्जत तो थी, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को एक पैगाम जाता कि पाकिस्तान जो है अपने बच्चों की तालीम के बारे में संजीदा रवैया रखता है, और हमारे जो दूसरे नौजवान हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्होंने इसी तरह के इम्तहान को कल पास करने के लिए अपना अमल जारी करना है, उनको भी एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है कि अगर हम अच्छे नंबर लेंगे तो हमारी इज्जत अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, और हुकूमत की सतह पे हमारी सलाहियतें जो हैं उनका एतराफ किया जाएगा। तो अभी भी मेरी दरख्वास्त होगी वजीर तालीम से भी, दूसरे वजरा से भी जो इस वक्त हुकूमत में है, कि बराए मेहरबानी इस तालिब इल्म को अपने पास मदऊ कीजिए, उसकी इज्जत फरमाइए, उससे प्यार कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए कि आपके इस अमल से दूसरे तालिब इल्मों को भी हौसला मिलेगा और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी सलाहियतें ज्यादा से ज्यादा नमाया करेंगे इंशाल्लाह। प्रोफेसर फरमाइएगा, मैं आपका वक्त अब जरा कम लूंगा। ये अब क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन हुई है, आपकी हुकूमत रही है और इस वक्त आप अपोजिशन में हैं आपकी जमात, तो अब जो इजलास आने वाला है, क्या आपके जो वज़रा हैं इस वक्त जो मौजूद हैं अपोजिशन में,
क्या वो पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे कि इस तरह के बच्चे मजीद जो मौजूद हैं उनके लिए हुकूमत की पॉलिसीज का ऐलान करे, ना सिर्फ दावों तक महदूद रहे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब बहुत ज्यादा इन रहते हैं, कभी चांद नजर ना आने पर तो कभी चांद नजर आने पर, लेकिन जहाँ असल में चांद नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के ये तालिबे इल्म होने और तालिबे इल्म झंडे पूरी दुनिया में गाड़ रहे हैं, तो इन वुज़रा को ये क्यों नजर नहीं आ रहे? क्या पार्लियामान में आवाज उठाई जाएगी? यकीनन मैं तो जब सेनेट का इजलास होगा, कल हमारा इजलास है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ मखसूस है कश्मीर के लिए तो कश्मीर पर ही बात होगी, लेकिन जब हमारा बकायदा इजलास शुरू होगा तो मैं तवज्जो दिलाऊंगा हुकूमती वुज़रा की भी इस तरह के वो ऐसे मौके पे जो नौजवान हैं, तलबा हैं, तालबात हैं, उनकी सलाहियतों का इतराफ़ करने के लिए उन्हें बड़े दिल के साथ, कशादा दिली के साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए, ताकि हमारे मुस्तकबिल के नौजवान जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो, उनके दिल बड़े हों, कि हमारी रियासत जो है, हमारे माँ बाप तो हमारी तालीम के बारे में फिक्रमंद होते ही हैं, हमारी रियासत, हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारी हुकूमत भी हमारी तालीम के बारे में अपने कंसर्न रखती है, ये पैगाम जरूर मिलना चाहिए। ठीक है रशीद साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, कश्मीर की आपने बात की है, तो अब मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो कश्मीर सिर्फ हमें हाथों की जंजीरें बांधने से, नगमे बनाने से और सिर्फ इस तरह तकरीर करने से फोरम्स के ऊपर पूरा एक साल से ज्यादा अरसा हो चुका है तकरीबन, अब तक वहाँ से वजीर आजम साहब लॉकडाउन उठाने में नाकाम रहे, उठवाने में, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो फासिनिज्म है वो बढ़ती जा रही है, क्या कहिएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में रही है, कश्मीर के मसले को देखते हुए अब जो सूरत हाल है क्या वो कंट्रोल में है या जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? मायूसी है, बहुत मायूसी है। इन्होंने आपको याद होगा कि ऐलान किया था कि ये हर जुमे को कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे और वजीर आजम साहब ने खुद ही ऐलान किया था जी। लेकिन अपने इस ऐलान पे भी वजीर आजम साहब अमल ना कर सके, खुद भी अमल ना कर सके, तो वो अपने कहे हुए बातों को भी भूल जाते हैं, उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं। और जो आपने खुद अपने सवाल में जिस तरफ इशारा किया है, कल इस पे मैं तफसीली बात जरूर करूंगा। आपके प्रोग्राम में भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हर नौजवान बहन, बेटे और बेटी को पाकिस्तान आपके साथ है। अगर हमारी हुकूमत से कोई कोताही हो रही है तो उसको आप हुकूमत की कोताही समझें, कुछ अफराद की कोताही समझें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ है, पाकिस्तान का हर फर्द आपके साथ है, और आपकी जद्दोजहद जो है हमारे दिल उसके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और आपकी कामयाबी के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर शहरी जो बैन अल-अक़वामी तौर पर मुमकिन है आवाज उठाना और बैन अल-अक़वामी तौर पर जो आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते होते हैं इखलाकी मदद करने के, किसी भी मजलूम को इंसाफ दिलाने के जो रास्ते होते हैं, जिनकी बैन अल-अक़वामी कवानीन इजाजत देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान उन सबको इस्तेमाल करते हुए आपकी हर तरह से मदद करेगा। सर ये भी इंतजार जाते थे, फरमा दीजिए, करप्शन से पार पाकिस्तान का नारा दावा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन इदारों में जिस तरह की करप्शन हो रही है, CDA की बात की जाए, PIA की बात की जाए, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बात की जाए, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात की जाए, ये वो सारे इदारे हैं जो आपके अदवार में भी रहे, वहाँ पे भी करप्शन होती रही हैं, उनके हिसाब किताब एहतसाब का बात की थी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, लेकिन मन चाहे लोग आज भी लगवाए जा रहे हैं, इंक्वायरीज बनती हैं लेकिन लोग मुअत्तल नहीं होते। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या मौका इख्तियार करती है, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ सियासी लोगों का एहतसाब हो रहा है और वो भी यक तरफा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, चीनी, आटा, तेल, दिन दहाड़े जिसको डेट टाइम रॉबरी हम कहते हैं, डेट टाइम रॉबरी, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ
उनकी जेबों पर टाका डाला गया और 50 रुपए वाली चीज 100 रुपए में बिक रही है और 100 रुपए वाली चीज जो है वो 200 रुपए में बिक रही है। बेचने वाले जो है वो हुकूमत में बैठे, बनाने वाले हुकूमत में बैठे, दाएं भी बैठे में और बाएं भी बैठे, वो भी सबको नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल की हुकूमत 2013 से लेकर 2018 तक की कोई एक मुकदमा बदनवानी का हुकूमत के किसी महकमे से बदनवानी का वो आज तक न्याय में पेश नहीं किया गया है। मुकदमे सियासी बुनियाद पर जो बनाए गए हैं वो लोगों के अपने कारोबार से मुतल्लिक जरूर हो सकते हैं, ठीक है, एसेट्स के मुतल्लिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों से उनके एसेट्स के बारे में पूछा जाता है, जिनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, उनके वालदैन की भी हिस्ट्री मौजूद है, उनके पिछली नस्लों की हिस्ट्री मौजूद है, उनसे हिसाब 3-3, 4-4 नस्लों का हिसाब लिया जाता है, लेकिन दिन दिहाड़े जो लोगों की आंखों के सामने डाके डाले जा रहे हैं उनके बारे में नैब भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है, और इसीलिए पाकिस्तान की बाजारों में, घरों में, लोगों के दिलों में एक गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, और उस गुस्से का इजहार जो है आपको मार्केट में अगर आप कैमरा लेके चले जाए तो आपको नजर आएगा, और जो जुबान और जिस जज्बात का इजहार लोग करते हैं खासकर टेलीविजन स्क्रीन पर उसको दिखाना भी शायद मुमकिन नहीं होता, इस तरह का गुस्सा जो है लोगों के ऊपर तारी हो चुका है, और यह गुस्सा किसी दिन लावा भड़क के बाहर निकल सकता है और उसके रास्ते में फिर जो भी आएगा वो शिकार होगा। अच्छा परवेज साहब, ये कहा जाता है कि जो गुस्सा लावा की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कुछ ज्यादा लावा जो है वो अपना निकाल रही है, बार गुस्से में है, क्योंकि एहतसाब की आपने खुद बात की कि एक तरफा एहतसाब किया जा रहा है, अब क्योंकि कहा जाता है कि नैब को सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को ख़त्म करने की बातें भी की जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौकफ़ है, नून लीग का भी मौकफ़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि नैब क्योंकि शिकंजे में रखा हुआ है उन तमाम लोगों को जो करप्शन में मुलव्वस थे, तो हकीकतन आपको लगता है कि नैब को वाकई ख़त्म हो जाना चाहिए और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 100% हो रही है? देखिए सियासी जमातों ने तो ये बात बाद में कही होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई, खोसा साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा अपनी एक इख्तितामी तकरीर पे जब वो अपने ओहदे को छोड़ के जा रहे थे कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये चीफ जस्टिस खोसा साहब कह गए थे, और अब मौजूदा जजिस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने इस बात को दोहराया है कि नैब का दायरा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और नैब ने जो मुकदमात बनाए हैं लोगों के ऊपर, खावराना सनाउल्ला का मुकदमा था, कमरुल इस्लाम साहब का मुकदमा था, नवाज शरीफ साहब पर जो मुकदमा बनाया गया वो था, ख्वाजा सादर रफीक साहब का मुकदमा था, हकान अब्बासी साहब का, मिफ्ता इस्माइल का, किसी का नाम नहीं, उनने जो जमानतों पर फैसले तहरीर किए हैं अदालतों में उन फैसलों में कहा गया है कि नैब जो है वो नाइंसाफी की मुर्तकिब हो रही है, नैब जो है उसके पास मुकदमा नहीं होता, लेकिन वो बगैर मुकदमे के लोगों को साला साल तक जेलों में डाल के रखती है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के साथ सलूक किया गया उस पर अदालतों के कमेंट्स मौजूद है, तो पाकिस्तान की अदालतें जिस चीज को मान रही हैं उसी बात को सियासी जमातों ने कहा है, ठीक है, और अदालतों का कहा भी अगर खान साहब जो है वो नहीं सुनते तो फिर खल्के खुदा जो है वो अपनी आवाज अपने तरीके से सुनाएगी, और जब खल्के खुदा अपनी आवाज सुनाती है और उसको फिर जब आपको सुनना पड़ता है तो उसके नतायज जो है वो ऐसे नहीं होते कि उसका इंतजार किया जाए, वो ऐसे नतायज होते हैं कि उससे पहले आपको कदम उठा लेना चाहिए ताकि उन नतायज से बचा जा सके। सर एक आखिरी सवाल जाते हुए, क्योंकि आपने बड़ा टाइम दिया है, साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी साहब उन्होंने भी रिसेंटली एक अपना इंटरव्यू दिया जिसमें आपको लेकर शायद कहीं पॉलिसीज़ की बात की जा रही थी और इशारा किया जा रहा था कि जो आर्मी एक्ट के लिए जब वोटिंग की जा रही थी तो उस वक्त बीच में कोई पॉलिसीज़ पार्टी पॉलिसीज़ को लेकर कहीं टकराव पैदा हुआ था,
आपका इसमें क्या मौकफ है? क्या हकीकतन कोई इस तरह के मामलात हैं जो शायद अगर अब्बासी साहब ने किसी तरह इशारा किया था और आपको बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी दरमियान में? देखिए, जमातों के अंदर इख्तलाफ राय होते हैं, बाज दफा जमात में कुछ बातों पर लोग मुत्तफिक होते हैं, कुछ बातों पर मुत्तफिक नहीं होते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, मेरा भी अपनी राय है, मैंने उस पर अपनी राय का इजहार कर दिया था। हम दोनों का अपना अपना एक मौकफ है, वो मुझे कायल नहीं कर सकते, मैं उन्हें कायल नहीं कर सका, और यही जमहूरियत है कि हम आप दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब, खुसूस तौर पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और जिस तरह आपने तफसीली तौर पर साद उमर के साद आमिर के हवाले से बात की और आपने कहा कि ये वो होनहार बच्चा है कि जिसका जो मामला है इसे मंजर आम पे आना चाहिए, शफकत महमूद साहब को इससे मुलाकात करनी चाहिए, ना सिर्फ बात मुलाकात तक महदूद रहनी चाहिए बल्कि स्कॉलरशिप के लिए भी बातें की जानी चाहिए, और इस तरह के जो और मजीद होनहार तालिबे इल्म हैं उन सब के लिए हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिस पर पूरे पाकिस्तान में मौजूद या पाकिस्तान से बाहर वो तालिबे इल्म जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मरकूज पॉलिसी बनाई जाए और उन्हें वो तमाम जो मरहल से गुजर के वो मुश्किलात से दो चार होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, उन्हें उनके तोहफे ज़रूर देने चाहिए। हुकूमत को चाहिए, वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब को चाहिए कि जागिए, अखबारात को पढ़िए, अखबारात की दुनिया से भी बाहर निकल के देखिए कि शहर इक्तदार में आप मौजूद हैं, शहर इक्तदार में ये तालिबे इल्म मौजूद है। हमने इससे पहले मुल्तान के भी एक तालिबे इल्म को देखा कि जिसने चाय बनाते बनाते मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन लेकिन उसके लिए भी हुकूमत कुछ ना कर सकी। अब देखना यह कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बात करूँ और मैं बात करूँ शफकत महमूद साहब की कि वो क्या करते हैं बतौर वजीर तालीम। आप शहर इक्तदार में मौजूद हैं, कौमी असेंबली का सेशन आने वाला है, तमाम वुज़रा मौजूद हैं, बयानात अपनी जगह, लेकिन प्रोग्राम सच बोलो में सच बोलकर ही आपको आगे चलना होगा और पाकिस्तान के होनहार तालिबे इल्मों को उनका जो असल मंजिल है वहां तक ले जाना होगा। हमने बात की सेनेटर परवेज रशीद साहब से और आपसे पॉलिटिकल हवाले से भी बात की और आपने यही कहा क्योंकि नैब जो है इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इसे बंद करने की बातें की जा रही हैं कि इसे बंद होना चाहिए और तसाब का अमल दो तरफ से होना चाहिए जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। ये और बात कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि अब हवाओं का रुख तब्दील होगा और एहतसाब दोनों जानिब से नजर आएगा, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, उनका अब भी यही कहना है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और एहतसाब सिर्फ अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है। इदारों के हवाले से बात की है, मैंने बात की यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से, APITC के हवाले से, APIA के हवाले से, ये वो इदारे हैं कि जिसमें बदउनवानियाँ जारी हैं, कहा जाता है कि साबका अदवार की हैं, तो अब मौजूदा हुकूमत को दो साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और अभी भी मनपसंद लोग लगाए जा रहे हैं, उनको नवाजने का सिलसिला भी जारी है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है और जाते जाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जागिए और अपने वुज़रा की कारकर्दगी का पूरी तरह मुवाज़ना करें और देखें कि कौन लोग हैं जो हुकूमत के खिलाफ मुहिम में सबसे आगे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। सब पे नजर, अंदर की खबर।